आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो द क्वेश्चन इज द क्रॉप्स ग्रोइंग इन विंटर सीजन आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स। कि विंटर सीजन में ग्रो करने वाली क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं। तो क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है। सभी का क्लाइमेट, उनको अलग अलग क्लाइमेट पे ग्रो करना होता है कि उनका टेम्परेचर कैसा है, मतलब प्रेसिपिटेशन कैसी है, मतलब रेनी सीजन कैसा है, अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। और उनको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट उनकी अलग होती है। कुछ हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं तो कुछ काफ़ी ही कोल्ड टेम्परेचर पे ग्रो करती हैं। और उनका फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट का क्या इफ़ेक्ट है उनकी ग्रोथ पे। फोटो पीरियड चाहिए होते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं उनके प्लांट की ग्रोथ एंड उसकी फ्लावरिंग। फ्लावरिंग मतलब उनका फूल का उगना, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंगली क्रॉप्स होती हैं। तो इनको हम ब्रॉडली दो में क्लासीफाई किया होता है। एक होती है खरीफ। खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो कल्टीवेट होती हैं, मतलब उगाते हैं उसको रेनी सीज़न में। मतलब कि कौन सी उगती हैं? पैडी क्रॉप मतलब कि राइस, है ना, चावल, और मेज हो गया या कॉटन हो गया। और दूसरी होती है रबी क्रॉप को हम कल्टीवेट करते हैं, मतलब उसको हम उगाते हैं विंटर सीजन में। ये उगती हैं नवंबर से अप्रैल तक इसको हम ग्रो करवाते हैं। और इसमें आती हैं वीट हो गए, गेहूँ, ठीक है। और खरीफ क्रॉप को हम ग्रो करवाते हैं जून से लेके अक्टूबर तक। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विंटर सीजन में ग्रो करने वाले को क्या बोलते हैं। तो विंटर सीजन में जो ग्रो करती हैं वो होती हैं रबी क्रॉप, ठीक है। नवंबर में ग्रो कराई जाती हैं क्योंकि उनको कोल्डर टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो ये हो गई रबी क्रॉप। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।